में ये माता का जो दरबार है, यहाँ पर हम आज यहाँ ट्रस्ट के कुछ सदस्य यहाँ खड़े हैं और माता के दरबार में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर 5 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। उसमें 3 करोड़ रुपए जो है हम लोगों को यहाँ मिले हैं सरकार की तरफ से, और उसकी एवज में जो है यहाँ पर ये पार्किंग जो आप देख रहे हैं जिस पर हम खड़े हैं, ये पार्किंग बन रही है, और यहाँ सामने एक पार्क है वो बनना है, और ऊपर गेट है कुछ, और जो इसकी डेवलपमेंट होनी है इस मंदिर की वो हो रही है सरकार के माध्यम से और टूरिज्म के माध्यम से। जी तो इसमें देखिए, आज हम आपके सामने आपके माध्यम से लोगों के भी लोगों को और सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि जो ये काम यहाँ पर हो रहा है, इस काम के लिए जो है बहुत बड़ी एक इसमें खामियां पाई गई है। हम ट्रस्ट के लोग जब यहाँ देखने इसको आए तो इसमें बड़ी खामियां हैं। इसमें जो पिलर्स हैं यहाँ पर, ये पिलर कोई भी पिलर सिमेट्री में नहीं है, और कोई भी जो काम है वो गुणवत्ता के साथ नहीं है। गुणवत्ता हम क्वालिटी की तो जाँच कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ना कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन अगर आप कोई भी एक कॉमन आदमी को लेके चलेंगे तो ये जो पिलर्स है आप देख सकते हैं इसकी, हम आपको ये लाइंस में भी दिखा सकते हैं, ये प्रॉपर लाइन में स्वीटरी में कोई पिलर नहीं है। कुछ पिलर है जो ड्राइंग के हिसाब से उस हिसाब से पार्किंग के बनते हैं, वो सही है, लेकिन जो कॉमन पिलर है आप कहीं भी आप देखिए, यहाँ से एक बार आपके चैनल के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे, अगर आप यहाँ लाइन पे अगर ये खड़े हो जाए तो एक भी पिलर की जो है उसकी एक लाइन में वो पिलर नहीं मिलेंगे, वो ड्राइंग में कहीं ऐसे पिलर्स नहीं है। मेरा आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि मुख्यमंत्री महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद हाटेश्वरी माता के इस ट्रस्ट की तरफ से, यहाँ की जनता की तरफ से, कि आपने हमें इतना पैसा दिया और उस पैसे का जो दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा है, जो उच्च अधिकारी है इसमें उन लोगों को जो है तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए, खासकर मंदिर के इस काम में। मंदिर में तो कम से कम बख्श देना चाहिए, कम से वहाँ तो ईमानदारी से काम कर देना चाहिए, और क्या उन्होंने वक्त क्यों नहीं यहाँ पर दिया। हम ट्रस्ट ने तो अक्टूबर पिछले अक्टूबर में ट्रस्ट की मीटिंग हुई थी, उस बार भी हमने आवाज उठाई, और कोविड में जो बहुत कम हमारी मीटिंग्स हुई, हम लोगों ने सोचा कि ईमानदारी से मंदिर में कोई ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन आज देखने को मिल रहा। आप गेट की हालत देखिए, गेट की हालत यह है कि उसमें जो पत्थर लगाए गए हैं वो पत्थर ऐसे लगते हैं कि जैसे कहीं पता नहीं कहाँ से उठाकर लाए, और उसकी सारी शक्ल बिगाड़ दी है उस गेट की। और जितना सौंदर्य इस मंदिर का बनता था, जितना पैसा आपने मुख्यमंत्री महोदय दिया, वो पैसा जो है यहाँ यूज नहीं हो रहा। और आपके सामने मैं एक और चीज आपके चैनल्स के माध्यम से यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ये पार्क देखिए यहाँ सामने। इस पार्क में जो है 35 करोड़ रुपया पूर्व के मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, 35 लाख रुपया पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी द्वारा यहाँ खर्च किया गया, और इस जो पार्क में है इस बार इसमें मलवा डाल दिया गया। क्यों डाला गया इसमें मलवा, क्यों इसको ख़त्म कर दिया गया, जब इसकी अगर कुछ इसको इसका लेवल ठीक करना था या कुछ और डेवलपमेंट इसमें ठीक करनी थी वो तो बहुत कम करना था, पूरा का पूरा मलवा इसमें डाल दिया गया। डंपिंग साइट्स क्यों नहीं दिखाएगी, क्या ये किसी ठेकेदार को फ़ायदा देने के लिए किया गया है, क्या अधिकारियों द्वारा इस तरह का कोई काम किया गया, और द्वारा से इसमें कई कई लाखों का, लगभग 60-70-80 लाख का काम फिर से करना है, तो सरकार के ये पैसे का दुरुपयोग क्यों है, खासकर वो भी मंदिर की जगह पे। हम ट्रस्ट के जो साथी है आज आपके सामने यहाँ, और भी देखिए, नरेश सित्ता जी है, आप इनसे भी बात कर सकते हैं, पंकज जी है, सुरेंद्र पांटा जी है, यहाँ हमारे शकुंतला डॉट जी है जो पहली बार एक महिला यहाँ ट्रस्ट की मेंबर बनी है, आदरणीय पांटा जी तो पहले भी ट्रस्ट मेंबर रहे, इन्होंने तो इससे पहले भी काम किया है, तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि भाई इसके बारे में इनकी क्या राय है। जी पहले तो हम आप मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। एक एक तरह की जनमानस की जो हमारी एक भावनाएं होती है, उन भावनाओं का हनन है ये, क्योंकि हमारी सबकी भावनाएं होती है मंदिरों के प्रति। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि मंदिर में भी कभी गलत काम होते हैं। हम ट्रस्ट वाले आते हैं, देखते हैं, देख के चले जाते हैं, शायद हमारी बात की में कोई तवज्जो भी नहीं दी जाती। हमने परसों भी हमारी एक मीटिंग हुई हाल में ही, तो टूरिज़्म के भी जो भी इंजीनियर्स थे वो आए थे, उनको बताया सबने कि आपका जो ये गेट बन रहा है उसमें जो छत लगी है वो एक तरफ से दबी हुई है, तो उन्होंने एक बात हमें बताई कि नहीं नहीं इसको हम ठीक कर देंगे। अब मुख्यमंत्री महोदय जिन्होंने हमारे को 5 करोड़ रुपए इसके लिए दिया है, लगभग 3 करोड़ शायद इस पर खर्च भी हो गया जी। ट्रस्ट के लोग तो सोच रहे थे कि हमने मुख्यमंत्री जी को लाना है और उसका हम जल्दी से जल्दी उद्घाटन भी करवाएंगे, क्योंकि उनकी कमिटमेंट थी हमारे साथ कि अगर शिलान्यास मैंने किया हुआ तो उद्घाटन भी मैं स्वयं करूँगा। और हम उनके बहुत बहुत धन्यवाद ये कि 5 करोड़ एक बहुत बड़ी होती है राशि होती है जो उन्होंने हमारी हाटेश्वरी माता को दी। अच्छा, एक ट्रस्ट के ट्रस्टी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम जो है इस चीज़ को देखें और जो चीज़ हमें गलत लगती है उसका हम विरोध करें। इसलिए हम सब लोग आए हुए हैं कि हम चाहते हैं कि भाई ये जो है इसको जितना भी ये गलत काम यहाँ पे हुआ है उसको ठीक करें,
और जल्दी से जल्दी हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आके जो है उन्होंने इतना इतनी बड़ी राशि हमें दी है वो इसका स्वयं उद्घाटन करें। हरीश जी आप भी प्लीज़ लीजिए कुछ। मैं हरीश जी और मैडम शकुंतला डॉट की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ और जिस तरह की यहाँ पे जो भी कार्य चल रहे हैं जिसमें गुवाहाती हो रही है तो इस वजह से जो भी इन्होंने कहा मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ और मुझे ज़्यादा नहीं है मुझे लगता कि पांटा जी इसके बारे में ज़्यादा बता पाए। जी बताओ। प्रथम मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ यहाँ पहुँचने के लिए कि आपने समय दिया और होपलेस और जिग जैग टाइप की कंस्ट्रक्शन यहाँ परिसर में हो रही है। सरकार ने बहुत बड़ी राशि हमको दी है, दुरुपयोग करने के लिए नहीं दी है। हम हरीश राव जी की बात से बिल्कुल सहमत है। 35 लाख रुपया इस पार्क के लिए ब्यूटिफिकेशन के लिए जो खर्च किया गया, मैं पूर्व में इसका सदस्य रहा हूँ इस ट्रस्ट का। उस समय भी बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ था, उसकी भी हमने दुष्टि की है। लेकिन जब भी हम कभी आवाज़ उठाते हैं तो हमारी बात को तो जो नहीं दी जाती है, ये कह के टाल दिया जाता है कि हो जाएगा। तो इस पर सरकार मैं आग्रह करता हूँ कि आपके माध्यम से जो जरूर आवाज़ हमारी सरकार तक पहुँचेगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। सबका है किसी एक का। देखिए मुख्यमंत्री महोदय का एक सपना था, जब यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आए उन्होंने कहा कि मैं इस मंदिर को जो है बहुत खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, अगर और भी पैसे की जरूरत होगी तो वो भी लगाए जाएंगे। पूर्व में हमारे जो बागवानी मंत्री रहे स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी, उनका तो बहुत बड़ा सपना था कि इस मंदिर को जो है काफ़ी सुधार करना है और वो आज शायद वो सपना भी उनका साकार नहीं होगा। लेकिन हम ईमानदारी से जो है यहाँ काम करना चाहते हैं, खासकर माता के दरबार में जब तक हम ट्रस्टी यहाँ पर है, और हम ईमानदारी से जो काम है उसको करवाना भी चाहते हैं। तो आखिर में एक बार फिर से आप सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह, सरकार से भी आग्रह है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन किया जाए। सरकार को चाहे वो बड़े अधिकारियों तक इसकी गाज गिरे, हमें उस पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि माता का दरबार है। और मेरा तो ये कहना है कि माता के दरबार में इतनी बड़ी गलती कोई नहीं करता। अगर किसी ने की, हमने तो ट्रस्ट किया था, सब पे ट्रस्ट किया था, ये हमारा कहना है। अभी सरकार अगर प्रॉपरली कदम नहीं उठाती तो उसके बाद अगला स्टेप क्या है ट्रस्ट का? देखिए ऐसा है, अभी तो हम सरकार से आग्रह ही करेंगे क्योंकि हमारी अपनी सरकार है, हमें विश्वास है कि सरकार इसके ऊपर निश्चित रूप से कोई ना कोई जो है एक्शन करेगी क्योंकि सरकार ने इसके लिए पैसा दिया है, इसी सरकार ने पैसा दिया है और वो जरूर इस पर कोई ना कोई कड़ा कदम उठाएगी। हमें विश्वास है सरकार के ऊपर, अगर सरकार नहीं करेगी तो उससे फिर बार बार आग्रह करेगा ट्रस्ट। और हमें विश्वास है कि जयराम जी जो है आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी, और वो जो है इस माता के भगत है और प्रदेश में तो जितने भी हमारे नेतागण हैं वो सभी भगत होते हैं, खासकर हिमाचल में तो देवभूमि है। जो भी इससे संबंधित जो अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई हो। हमें विश्वास है अपने मुख्यमंत्री पर, जिन्होंने 5 करोड़ हमारे को दिए हुए हैं तो उन्होंने व्यर्थ में नहीं दिया हुआ ये पैसा, उन्होंने किसी चीज़ को लगाने के लिए दिया है। और वो भी चाहते हैं कि हमारे जितने भी मंदिर है ऐसी ऐसी चीज़ें वो रमणीक स्थल बने, और आने वाले टाइम में तो टूरिज्म भी यहाँ पे विकसित हो रहा है ना, ये टूरिज्म के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ है ये। जिस तरह से आप हमारा ये अगर पार्क देखो तो ऐसा पार्क मुझे नहीं लगता कहीं होगा ना? और किसी मंदिर में इतना खासकर एरिया भी, किसी मंदिर में आप हिमाचल प्रदेश के किसी मंदिर में जाएंगे इतना खुला स्पेस कहीं नहीं है। पंकज जी आप ही बताए, ये तो पंकज जी जो है हेरिडिटरी है और ये कई सालों से यहाँ काम करे, ये भी कुछ बता सकते हैं इस बारे में? आप भी कुछ पंकज जी बताए चैनल्स के माध्यम से। जब इतना पैसा मिला है तो काम ठीक से होना चाहिए, तो टेक्निकल जब यहाँ पे है तो हाँ, तो जब ये गेट बनते हैं तो इंजीनियर्स नहीं होते।